हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राडिया प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग। सो आज जो हमने हाउस प्लानिंग की है वो है 3500 स्क्वायर फीट में, और उसका बिल्टअप एरिया है 2700 स्क्वायर फीट, और उसकी प्लॉट साइज़ है 50x70 का। हमारा ये पूरा प्लॉट साइज़ है जिसमें हमने 6 BHK विथ स्विमिंग पूल एंड जिम हमने यहाँ पर हाउस प्लानिंग की है। सो फर्स्ट यहाँ पे मेन गेट हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, और ये पूरा एरिया गार्डन और पार्किंग एरिया यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है। 49x9 का हमने यहाँ पे पूरा गार्डन एंड पार्किंग एरिया, और यहाँ पे हमने जिम और यहाँ पे हमने मास्टर बेडरूम प्रोवाइड किया है। ये हमारा स्विमिंग पूल है पूरा, जो कि है 7x16 का। हमारे यहाँ पे स्विमिंग पूल हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया, और यहाँ से हमारा मेन एंट्रेंस है, यहाँ से हमारा मेन एंट्रेंस है, और यहाँ पे हमने डाइनिंग एरिया प्रोवाइड किया है 15x18 का पूरा। यहाँ पे हमारा डाइनिंग एरिया है, और यहाँ पे हमने लिविंग एरिया प्रोवाइड किया है जो कि है 16x21 का पूरा। यहाँ पे लिविंग एरिया हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया, और यहाँ से हमने डोर प्रोवाइड किया जो कि है जिम में हम में ले जाता है, जो है 16x18 का। और यहाँ से हम एंट्रेंस से भी जिम में एंटर कर सकते हैं, और सेम इट इज़ यहाँ पे मेन बेड मास्टर बेडरूम में हमने यहाँ पे डोर प्रोवाइड किया है, जो हम डाइनिंग एरिया से जाते हैं जो कि है 16x18 का। और पीछे से हम यहाँ पे एंट्रेंस में गार्डन में से भी जा सकते हैं। सो जिम और बेडरूम में हमने 2 डोर प्रोवाइड किए, और यहाँ पर हमने कॉमन बाथ रूम प्रोवाइड किया है जो कि है 4x12 का, और यहाँ पे हमने स्टेयर के नीचे ये प्रोवाइड किया है। सो ये पूरी प्लानिंग है। और यहाँ पे हमने किचन प्रोवाइड किया है जो कि है 16x11 का, अच्छा खासा ओपन किचन हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, और यहाँ पे हमने OTS यहाँ पे प्रोवाइड किया है जो कि 16x7 का। यहाँ पे हमारा पूरी OTS, और OTS के बाद हमने यहाँ पे स्टोर रूम प्रोवाइड किया है जो कि 15x7 का पूरा स्टोर रूम है, और यहाँ से हम पूजा रूम में भी एंटर कर सकते हैं, और डाइनिंग एरिया से भी हम पूजा रूम में एंटर कर सकते हैं। पूजा रूम हमारा 15x11 का पूरा हमने यहाँ पे पूजा रूम प्रोवाइड किया है। सो यहाँ पे हमने मास्टर बेडरूम प्रोवाइड किया है जो कि 16x19 का हमारा पूरा मास्टर बेडरूम है, विथ अटैच बाथरूम। यहाँ पे हमने टीवी और फर्नीचर प्रोवाइड किया, और यहाँ पे हमारा अटैच बाथरूम है जो कि 7x7 का पूरा यहाँ पे हमारा अटैच बाथरूम है। सो यह पूरी प्लानिंग हमने ग्राउंड फ्लोर पे की है, जो कि यहाँ पे स्विमिंग पूल, जिम, 2 बेडरूम और लिविंग एरिया, किचन, पूजा रूम, स्टोर रूम, यहाँ पे पूरी ग्राउंड फ्लोर की प्लानिंग यहाँ पे हमने प्रोवाइड की है। सो अब फर्स्ट फ्लोर की बारी है। सो फर्स्ट फ्लोर में हम यहाँ पे एंटर करते हैं, तो यहाँ पे हमने पैसेज प्रोवाइड किया, और ये पूरा ओपन एरिया है, और यहाँ पे हमने 4 बेडरूम विथ अटैच टॉयलेट यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है। सो फर्स्ट ये हमारा बेडरूम आता है, मास्टर बेडरूम जो कि है 24x19 का, यहाँ पे पूरा मास्टर बेडरूम है, और यहाँ पे वर्किंग एरिया, और यहाँ पे अटैच बाथरूम प्रोवाइड किया है जो कि 9x9 का हमारा अटैच बाथरूम यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है। सेम इट इज़ ये हमने सेकंड बेडरूम में भी यह सेम इट इज़ रखा है। सो यहाँ पे हमने लिविंग एरिया प्रोवाइड किया है जो कि 12x21 का, और यहाँ उसके पीछे हमने स्टोर रूम 6x6 का यहाँ पे प्रोवाइड किया है। सो ये पूरा ओपन है, और यहाँ से हमने यहाँ पे डोर प्रोवाइड किया, और डोर से हम यहाँ पे बालकनी में जा सकते हैं, यहाँ पे हमने बालकनी प्रोवाइड की है। और यहाँ पे थर्ड बेडरूम मास्टर बेडरूम 16x18 का हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया, और यहाँ पे वर्किंग टेबल, फर्नीचर और टीवी यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया, और अटैच बाथरूम यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है जो कि 6x14 का यहाँ पे हमारा पूरा अटैच बाथरूम यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है। सो अब हम एंटर करते हैं 4th बेडरूम में, यहाँ पे हमने बालकनी प्रोवाइड किया, 3rd बेडरूम में यहाँ पे हमने बालकनी, 4th बेडरूम में यहाँ पे 16x18 का हमारा पूरा बेडरूम है, में हमने यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथरूम यहाँ पे प्रोवाइड किया है, और ये इसकी यहाँ पे बालकनी। सो ये फर्स्ट फ्लोर में 4 बेडरूम, 3 बेडरूम विथ अटैच टॉयलेट एंड 1 कॉमन टॉयलेट, और लिविंग रूम, स्टोर रूम।
यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में यहाँ पे हमने पूरा प्रोवाइड किया है। सो यह पूरी प्लानिंग हमारी 15x17 में की है।